हेलो एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है एक और न्यू इसेकाई एनिमे के अंदर। आई नो काफी सारी इसेकाई एनिमे आ रही है जिनमें से ये भी एक और है। इस एनिमे का नाम काफी ज्यादा बड़ा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ तो वो है माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड नो वन इन दिस अनदर वर्ल्ड स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मी। एपिसोड वन की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर योगिरी को देखते हैं जो की काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो सभी लोगों को मार रहा होता है और एक लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम असाका होता है। सामने की तरफ वो चलकर देखता है तो उसे पता चलता है की असाका को एक लेडी ने पकड़ के रखा हुआ है और उसने उसकी तरफ गन हुई है। योगिरी भी वहाँ पहुँचता है और कहता है असाका मैं तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन अब वो दूसरी लेडी असाका को हिलने नहीं देती है। वो योगिरी से कहती है कि अगर तुम बिल्कुल भी हिलोगे तो मैं इसे मार दूंगी। तभी अचानक से उस लेडी के ऊपर कोई पावर हिट करती है जिसकी वजह से वो मर जाती है। ये पावर योगिरी की थी। वो अब असाका के पास जाता है, उसे गले लगाकर कहते हैं चलो घर वापिस चलते हैं। तभी योगिरी की अब आंखें खुलती है और वो देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम टोमोचिका है वो उसे उठा रही है। योगिरी भी अब उठ जाता है और उसे पता चलता है कि वो तो सो रहा था। वो अब टोमोचिका से कहता है कि क्या हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जिस पर वो कहती है कि इतना सब कुछ हो गया तुम इतनी देर से सो कैसे रहे थे। हम लोग अब देखते हैं कि एक ड्रैगन ने योगिरी के दो क्लासमेट्स को मार दिया है। टोमोचिका को भी नहीं पता हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी योगिरी उठकर एक माइक उठाता है और वो उस ड्रैगन के ऊपर मार देता है जिससे कि वो ड्रैगन उनके क्लासमेट को छोड़ देता है और उड़कर चला जाता है। वो अब उनके ऊपर वापस हमला करने के लिए आता है जिसे देखकर टोमोचिका डर जाती है और अब वो कहती है हम लोग मर जाएंगे। वो अब योगिरी को गले लगा लेती है। तभी अब उसका चेस्ट उसके हाथ से टच हो जाता है जिसकी वजह से योगिरी की पावर एक्टिवेट हो जाती है और अब वो कुछ बोलता है। वो अब जैसे वो बोलता है वो ड्रैगन अपना भी मर जाता है और पीछे जाकर गिरता है, जिसके बाद अब योगिरी टोमोचिका से कहते हैं कि हम लोग बच गए। ऐसा बोलने के बाद अब वो गेम खेलने लगता है। टोमोचिका भी अब उस पर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम ऐसे समय में भी गेम कैसे खेल सकते हो, हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्या। जिस पर योगिरी कहते हैं कि उससे क्या ही होगा, क्या गारंटी है कि बाहर जाना सेफ होगा। वो अब अपने गेम को बंद कर देता है और कहते हैं मुझे शुरुआत से बताओ क्या आखिर हुआ क्या है। तब वो बताती है कि हमारी स्कूल बस फील्ड ट्रिप के लिए जा ही रही थी, लेकिन जैसे हम लोगों ने एक टनल पार करी हम लोग एक अलग ही जगह पर आ गए। वो देखकर टोमोचिका अपनी दोस्त मिकोची से कहती है कि हम लोग कहाँ पर आ गए, जिस पर वो भी कहती है मुझे नहीं पता। तभी बस के अंदर एक लड़की चढ़ती है जो कि सभी का वेलकम करती है और कहती है कि मेरा नाम शियोन है और मैं एक सेज हूँ। ये सुनकर टीचर उसे कहते हैं तो तुम हो कौन। तभी शियोन अपनी पावर्स को यूज करके उन टीचर को मार देती है। शियोन सभी से कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करो, सभी लोग मेरी बात सुनो, मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम लोग को हर्ट करने का, लेकिन अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ। मेरा अटैक पावर 5,30,000 है। ऐसा बोलने के बाद वो ड्राइवर के पर हमला करके उसे भी मार देती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट घबरा जाती है। वो आप सभी से कहती है कि तुम लोग की इसेकाई जर्नी यहाँ से शुरू होती है, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ समन किया है प्रोस्पेक्टिव सेज के तौर पर। इस दुनिया पर सेज रूल करते हैं और कभी कभी समय आता है सेज के नंबर बढ़ाने का, इसलिए तुम लोग आए हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करती है जिससे कि सभी बच्चे लेकिन 4 बच्चों को छोड़कर ग्लो करने लगते हैं। शियोना सभी से कहती है कि मैंने तुम सभी लोगों के अंदर बैटल सॉन्ग नाम के सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है, लाइसेंस की लोगो इमेज तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। तो मिकोची भी देखती है कि उसके सामने कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रही है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसके स्टेट्स हैं। शियोन अब उन लोगों को बताती है कि सिस्टम को इस दुनिया में गिफ्ट कहा जाता है, इनका अच्छे से यूज करना और जल्दी से एक अच्छे सेज बनना, तुम लोग के पास 1 महीने का समय है। तभी टोमोचिका उसे कहती है कि मैं ग्लो नहीं करी और ना ही मेरे सामने लोग आया, ऐसा क्यों। ये सुनकर शियोन कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुड मैच नहीं होते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लो। क्या मैं तुम्हें जानवर का खाना बना दूं, क्योंकि तुम्हारा और कोई काम तो यहाँ है नहीं। ये सुनकर टोमोचिका डर जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है, जिसके बाद शियोन सभी से कहती है कि तुम लोग का पहला मिशन 1 घंटे में शुरू होगा, सभी मर मत जाना। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहां से चली जाती है। तैमी कोची टोमोचिका को बताती है कि उसके पास मिशन की एक्सप्लेनेशन आ गई है और इसमें लिखा है कि एक ड्रैगन उनके ऊपर हमला करने आएगा। तब एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि लगता नहीं है कि हम लोग के पास और कोई चॉइस है, हम लोग को इस मिशन को क्लियर ही करना होगा। हम लोग अब देखते हैं कि इस बच्चे का नाम सुगुरु याजी का है और इसकी क्लास जनरल है। वो अब सभी से कहते हैं कि हम लोग को एक साथ मिलकर इसके लिए काम करना होगा, सभी लोग मुझे अपने स्टेट्स बताओ। सही बच्चे अब एक पर्ची के ऊपर अपने स्टेट्स लिखकर उसे दे देते हैं। सुगुरु वो देखकर कहते हैं कि इसे काफी मदद होगी क्योंकि सभी के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं, हम लोग को अब प्लान बनाना होगा। वहीं पर अब टोमोचिका कहती है कि सिर्फ हम 4 बच्चे ही ग्लो नहीं करें, जो बच्चे ग्लो नहीं करें उनका नाम होता है अयाका शिनोजाकी, एक और लड़का जिसका नाम यूचिरो किरियू है और एक और जो कि हमारे मेन कैरेक्टर योगिरी टाकेतो है। किरियू कहने लगता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि योगिरी ऐसे समय पर भी सो सकता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चे अब बस से उतरने लगते हैं। उन लोगों ने प्लान डिसाइड कर लिया है लेकिन उन 4 बच्चों को वो प्लान नहीं बताते हैं, वो उन्हें छोड़कर वहां से जा रहे होते हैं। तो किरियू भी कहते हैं चलो हम भी चलते हैं। ये सुनकर टोमोचिका योगिरी को उठाने लगती है तो अयाका उसे कहती है कि इसे यहीं छोड़ दो, उसे सोने दो। वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं तभी सोगुरु वहां पर आता है और उनसे कहता है माफ करना लेकिन तुम लोग को यहीं पर रुकना होगा, मैं जनरल हूं तो तुम लोग को मेरी बात माननी होगी। ऐसा बोलने के बाद वो सीट को हिलाने लगता है अपनी पावर के जरिए और कहते हैं कि जिन भी लोगों को गिफ्ट मिली है उनके पास एनहांस फिजिकल एबिलिटी है लेवल 1 पर भी, जिससे कि मैं ये कर पा रहा हूँ, तुम लोग के पास कोई भी एबिलिटीज नहीं है, तुम सभी लोग के लिए बर्डन रहोगे। ऐसा बोलने के बाद वो सीट को वहीं पर गिरा देता है जिससे कि वो लोग बाहर ना निकल पाए। तो किरियो से कहते हैं कि तुम लोग के पास पावर है तो तुम लोग को हमें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए क्या, जिस पर कहते हैं कि तुम लोग को यहीं पर
रखना तो हमारी स्ट्रेटेजी है। तभी एक लड़की जिसका नाम मासुआ होता है वो अपनी पावर को यूज करती है और सभी लोग को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है जिससे कि मॉन्स्टर सुनी के ऊपर हमला करें। ऐसा बोलने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर सोगुरु कहता है कि इस एरिया के अंदर एक ड्रैगन है, तुम लोग को उसके चारे की तरह काम करना है और इतनी देर में हम सभी सिटी में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर टोमोचिका हैरान होती है और उसे कहती है तो इसका मतलब सभी स्टूडेंट इस स्ट्रेटेजी को एग्री करते हैं? मेरे दोस्त मिकोची ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अब सोगुरु उसे कहता है कि उसने एग्री कर दिया है इस स्ट्रेटेजी को। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब टोमोचिका काफी शौक हो जाती है कि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया, जिसके बाद सोगुरु वहाँ से बस को लॉक करके चला जाता है। वो चारों सोचने लगते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी ऊपर से अब उन्हें एक ड्रैगन की आवाज आती है। वो ड्रैगन अब बस के अंदर हमला करके अयाका को मार देता है। हम लोग अब देखते हैं कि टोमोचिका ये सारी बात अब योगिरी को बता रही थी कि ये सब कुछ हुआ जब तुम शांति से सो रहे थे। तभी योगिरी कहते हैं कि आखिरकार मैं इस इसेकाई दुनिया में अपनी गेमिंग डिवाइस को चार्ज कैसे करूंगा। ये सुनकर टोमोचिका उस पर गुस्सा आती है और कहते हैं कि तुम्हें उस बात की चिंता है। योगिरी अब खड़ा होता है और कहते हैं कि अगर हम लोग सुगुरु की बात माने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रैगन था, ऐसी बात है तो अब बाहर जाना सेफ है। तभी टोमोचिका उसे कहती है कि तुमने तो कुछ नहीं करा, जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं मैं क्या ही कर सकता हूँ, जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। योगिरी कहने लगता है कि हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम लोग हिल में जा सकते हैं, सिटी में या फॉरेस्ट में। हम लोग ये काम करते हैं, फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे। तभी टोमोचिका अब उसके पास आती है और कहती है आसमान में वो क्या उड़ रहा है। वो लोग अब देखते हैं कि वो तो उन्हीं के क्लासमेट है जो किसी तरफ आ रहे हैं। योगिरी उन्हें देखकर कहता है क्या मैं इन्हें मार दूं, जिस पर टोमोचिका कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो योगिरी कहता है कि उन लोगों ने भी तो हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया मरने के लिए, तो वो किलर ही तो हुए और शायद से वो हम पर हमला करने आ रहे हैं। जिसके बाद वो तीनों ऊपर से देखते हैं कि वो ड्रैगन तो मर चुका है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि इससे हमारा काफी काम कम हो गया। तभी उन लोग की नजर टोमोचिका पर जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अभी जिंदा है। वो लोग अब नीचे आ जाते हैं और एक स्टूडेंट जिसका नाम डायमोन होता है वो कहता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड है, हमारा प्लान तो टोमोचिका को ज़ॉम्बी बनाने का था जब वो मर जाती, लेकिन अब वो फेल हो गया। वो सुनकर टोमोचिका समझ जाती है कि ये लोग इवल हैं और इनसे दोस्ती नहीं की जा सकती है। तभी एक बंदा जिसका नाम रियोस्की होता है, उसकी क्लास हीरो है, वो उनके पर फायर बॉल से हमला करता है। वो फायर बॉल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि टोमोचिका के जो पीछे वाला पावर होता है वो पूरा ही टूट जाता है। वो अब अपनी तारीफ करके कहते हैं कि मैं बेसिक मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ, इसे मैं इसी हमले को इतना ज्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ। मना करने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप टोमोचिका यहाँ आ जाओ। वो लोग का प्लान होता है कि वो टोमोचिका को पकड़ने के बाद उसके साथ कुछ गलत ही करेंगे। ये सुनकर टोमोचिका घबरा जाती है तो योगिरी उसे कहते हैं चिंता मत करो, मैं इन लोगों का कुछ करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो रियोस्की की तरफ उंगली करके उसे कहते हैं मर जाओ। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार इस तरीके से बोलने से थोड़ी कोई मर जाता है। तभी अचानक से रियोस्की अब जमीन पर गिर जाता है, उसे देखकर उसके साथ ही कहते हैं कि इसे क्या हुआ। तो योगिरी उन्हें बताता है कि मैंने उसे मरने के लिए कहा तो वो मर गया, तुम लोग को भी अगर नहीं मरना है तो हिलना मत। ये सुनकर उनका एक और साथी हिल जाता है और रियोस्की को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर भी योगिरी की पावर एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से वो ही मर जाता है। वो अब योगिरी से कहते हैं कि अगर तुम भी हिलोगे तो तुम भी अपने साथियों की तरह मर जाओगे, चलो मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी के बारे में बताता हूँ, क्या तुम देख सकते हो कि क्या तुम्हारे साथी मरे हैं या नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम हिल सकते हो। ये सुनकर डायमोन अपने साथियों को चेक करता है तो वो हिल ही नहीं रहे होते हैं, तो वो अब अपनी पावर को यूज करने लगता है जो कि होती है हीलिंग। वो कहता है कि मैं हीलर हूं, मैं किसी की भी चोट को ठीक कर सकता हूं, लेकिन अब उसके साथी अब भी नहीं हिलते हैं, इससे वो समझ जाते हैं कि उसके साथी मर चुके हैं। ये सुनकर अब टोमोचिका समझ जाती है तो क्या इसका मतलब ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे योगिरी ने अपनी पावर के साथ मारा। जिसके बाद अब डायमोन योगिरी से कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा कर दिया, तुम्हें मेरे साथियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो योगिरी उसे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे ऊपर बस इसलिए हमला किया क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हमला किया। मेरी एबिलिटी को कहा जाता है इंस्टेंट डेथ टू एनी टारगेट, इसका मतलब अगर मैं सिंपली सोचूंगा कि अगर मुझे किसी को मारना है तो वो इमीडिएटली मर जाएगा। ये सुनकर डायमोन कहते हैं नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो योगिरी उसे कहते हैं तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पर अपनी पावर टेस्ट करूं जिससे तुम्हें पता चल जाए कि ये सच है। ये सुनकर डायमोन डर जाता है और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी पावर समझ गया। वो अब ऐसे मजाक करता हुआ अब उसके पास आने लगता है उसे मारने के लिए, लेकिन योगिरी को पता चल जाता है कि डायमोन उसे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अब उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो ना। तो डायमोन उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला था। तो योगिरी उसे कहता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं पता लगा सकता हूं कि अगर कोई मुझे मारना चाहता है या नहीं, तो इसका मतलब अगर मैं अपनी दोनों एबिलिटी को कंबाइन करूं तो ये भी पॉसिबल है कि मेरा टारगेट जो मुझे मारना चाहेगा वो खुद ही मर जाएगा, अगर मुझे मारने का सोचेगा तो भी मर जाएगा वो। ये सुनकर डायमोन रोने लगता है और कहता है आखिर मैं इस पावर के सामने कैसे लड़ूं। तो योगिरी अब उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों थे जबकि तुम्हें अपनी पावर से थोड़े समय पहले मिली है। तो डायमोन कहते हैं दरअसल ये पहली बार नहीं है कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, ये थोड़े समय पहले की बात है, लेकिन एक किंगडम ने हमें समन किया था डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। तो योगिरी उसे कहते हैं तो बेसिकली तुम इस वर्ल्ड में एक साल के लिए आए थे और जब तुमने डीमन किंग को हराया तो तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गए। तो डायमोन कहते हैं हाँ ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम इसे एक बच्चों की कहानी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, ये सच्ची घटना है। तभी टोमोचिका कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग स्कूल से एक साल के लिए एब्सेंट थे। तो डायमोन उन्हें बताते हैं कि जब हम लोग
घर वापस आए तो हमने देखा कि सिर्फ कुछ ही समय बीते थे, ना कि पूरा एक साल। ये सुनकर योगिरी कहता है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम लोग भी अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। ऐसे बोलने के बाद वो डायमंड को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन डायमंड भी अब रोकर उसे कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। वो अब टोमोचिका से भी कहता है कि मुझे बचा लो, तो टोमोचिका उसे कहती है कि मैं योगिरी की वजह से ही सेफ हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ये सुनकर अब डायमंड पागल होने लगता है और अब वो एक मैजिकल आइटम को बाहर निकाल लेता है और टोमोचिका से कहता है कि मैं तुम्हारा एक सर्वेंट बन जाऊंगा, इसे पहनने के बाद मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस कॉलर को पहन लेता है और वो उसी के पास आने लगता है। टोमोचिका को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे कहती है दूर हो जाओ। तब डायमंड का कॉलर टाइट होने लगता है और अब वो उसे पीछे खींचने लगता है। टोमोचिका अब कहने लगती है कि मुझे इसका मास्टर नहीं बनना है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं बच सकूं? तो वो कहते हैं नहीं, मैं अब तुम्हारे ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम मेरी ओनरशिप किसी और को दे सकती हो। ये सुनने के बाद टोमोचिका डायमंड की ओनरशिप योगिरी को दे देती है। ये सुनकर डायमंड रोने लगता है और कहता है कि मुझे योगिरी का सर्वेंट नहीं बनना है, मैं टोमोचिका का सर्वेंट बनना था। तब योगिरी भी उसकी हालत देखकर उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन क्या तुम्हें सामने की तरफ एक फॉरेस्ट दिख रहा है? तो वो कहता है हाँ, उस फॉरेस्ट के अंदर तो काफी सारे मैजिकल बीस्ट भरे हुए हैं। तो योगिरी उसे कहते हैं हाँ, वहाँ जाकर खड़े हो और वेट करो। तो डायमंड उसे कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, वहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन जिसके बाद वो अपने आप ही वहाँ पर जाने लगता है क्योंकि वो कॉलर उसे वहाँ ले जाने लगता है। तभी योगिरी उसे रोकता है और कहता है कि हमारे बारे में किसी को मत बताना। वो उसे फिर से रोकता है। ये सुनकर डायमंड खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे रोक रहे हो ना? तो कहते नहीं, फॉरेस्ट में तो तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीज है वो यहाँ पर छोड़ जाओ। तो अब डायमंड को भी उसकी बात माननी पड़ती है, वो सारी कीमती चीजों को वहीं पर छोड़ देता है और फॉरेस्ट में चला जाता है। ये देखकर टोमोचिका योगिरी से कहती है कि क्या उसके साथ ऐसा करना सही था? तो कहते हाँ, उस पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो हमें कब धोखा दे दे। तो टोमोचिका उसे कहती है कि तुम मुझ पर क्यों विश्वास करती हो, मैं भी तो तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। तो योगिरी उसे कहते हैं अगर वो होगा तो होगा, वैसे भी ये मेरी चॉइस है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। ये सुनकर अब टोमोचिका थोड़ी सी शर्माने लगती है और अब उसे कहती है कि हम लोगों ने पहले काफी ज्यादा बातें नहीं करी है, लेकिन तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? जिस पर वो कहता है कि पता नहीं मैंने क्यों तुम्हें बचाया। तो टोमोचिका उसे कहती है अरे कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से तुमने मुझे बचाया। तो योगिरी कहते हैं हाँ याद आया, जब वो ड्रैगन हमारे ऊपर हमला करने वाला था तो तुमने मुझे पकड़ लिया था और तुम्हारे चेस्ट मुझसे टच हो गए थे, तब मैंने फील किया कि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। ये सुनकर अब टोमोचिका शर्मा जाती है और गुस्से में कहती है कि सारे लड़के ऐसे क्यों होते हैं। अगले सीन में हम लोग शिवन को देखते हैं जो कि आराम से अपने कैसल में लेटी हुई थी। तब एक बंदा जिसका नाम योइची होता है वो वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए आता है प्रोटेक्टिव सेजेस के बारे में। तो शिवन उसे कहती हाँ मैंने देखा कि वो ड्रैगन कैसे ना कैसे मर गया है, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ? तो योची कहते हैं कि उन लोगों ने फर्स्ट मिशन क्लियर कर दिया है लेकिन चार लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर शिवन को लगता है कि चार लोग वही मरे होंगे जिनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी। तभी योची उसे बताता है कि दो लोग वो मरे हैं जिनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी और दो वो लोग मरे जो एस रैंक के थे। ये सुनकर शिवन शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो योची उसे बताता है कि वो लोग बिना किसी वार्निंग के अचानक से मर गए, कहीं किसी के पास इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं है? ये सुनकर शिवन कहती है कि ये काफी ज्यादा शॉकिंग है कि सिस्टम इंस्टॉल फेल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी चिंता करने की जरूरत है। तो योची कहता है लेकिन फिर भी हम लोग को चौकन्ना रहना चाहिए। तो शिवन उसे कहती है ठीक है, तुम्हें जैसे सही लगे वैसे करो। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से सो जाती है और अब योची भी वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर इसके अगले एपिसोड देखने हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।